मक कैसे हाथ तुम्हें आप कैसे हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में 20 FE 5G नॉट ओनली अनबॉक्सिंग इस फोन को मैं एक्सपीरियंस करके आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। और इस फोन के रिगार्डिंग मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस हूं क्योंकि ना यहाँ पे ना आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने मिलते हैं और उतने ही निगेटिव पॉइंट्स देखने मिलते हैं। 4-5 पॉजिटिव पॉइंट, 4-5 निगेटिव पॉइंट्स। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। इस फोन को शायद आपने बाय किया हो, अभी सेल प्राइस तो लाइव हो चुकी है, 32,000 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले गाइस फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, निकालते हैं बाहर। इतना बड़ा बॉक्स, इसके अंदर इतना छोटा सैमसंग का बॉक्स। यस या डोंगर खोदा निकला चूहा जैसा हाल है। ठीक है, तो इतना छोटा सा स्लिम बॉक्स आपको देखने मिलता है। तो स्लिम बॉक्स देखने मिलता है तो आपको पता ही होगा कि चार्जर इन बॉक्स नहीं होगा, पर ऐसा ही है, चार्जर बॉक्स में नहीं है। बड़ा बड़ा आगे के साइड में यस लिखा हुआ है। तो चलो यार बॉक्स से फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे यार देखना है कि ये फ़ोन कैसा है, मतलब 32,000 इतना कम कैसे कर सकता है फ्लिपकार्ट वाले, मतलब सैमसंग वाले ऑफर दे सकते हैं। तो ये यार रहा इतना छोटू सा फ़ोन, मस्त लग रहा है। चलो यार इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ बॉक्स से और इसको करते हैं साइड में। इसमें सैमसंग की पुस्तकें वगैरह होगी, हाँ यस। और एक आपको केबल भी देखने को मिल जाती है, ये सैमसंग की पुस्तकें आपको देखने को मिल जाती है। और ये आपको Type-C to Type-C केबल देखने मिलती है, इसके बाद कुछ भी नहीं, इतना ही बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जब ये फ़ोन आपके पास आएगा। और ये बैक पैनल इसका ऐसा कैसे है? एक्चुअली गाइस ये फ़ोन हमने गीक अभिषेक भाई से, मतलब अभिषेक भाई से लिया था। ये जो अनबॉक्सिंग आपको दिखाया ऐसा ही एक्सपीरियंस सेम फोन आपके पास आने के बाद मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सेल में आप फ़ोन ले रहे हो तो इसमें चार्जर वगैरह देखने को मिल जाएगा, यही सेम एक्सपीरियंस आएगा। तो यार ये सब मुझे करना पड़ा। तो गाइस फोन के अंदर सिम कार्ड मैं कल रात ही डाल चुका हूँ, यहाँ पे आपको नेटवर्क भी दिख रहा होगा। और एक्सपीरियंस इस फोन का मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, हम लोगों ने इस फोन को प्रॉपरली यूज किया है, इतने सारे फोन रहते हैं हमारे पास। तो उसके साथ इसको जब हम इसका एक्सपीरियंस कंपेयर करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है। 3-4 तगड़े इसके अंदर प्रॉब्लम देखने मिलते हैं और 3-4 पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने मिलते हैं। तो ये फोन ना कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर सकता है, इसलिए स्पेशल वीडियो में लेके आ चुका हूँ कि मुझे यार सच में क्लियर करना चाहिए कि इस फोन के अंदर क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या नहीं देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि प्राइस ड्रॉप के चक्कर में आप अपनी प्रायोरिटी भूल के कोई भी उल्टा सुलटा गलत फोन उठा लो, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे ओर से और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए यही मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट से और एंड में जाके आपको पूरे निगेटिव पॉइंट्स इसके मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है इन हैंड फील, लुक, डिजाइन और लाइट वेट। हाँ गाइस, आप हाथ में ही फोन पकड़ते हो ना तो आपको फील होगा एक फ्लैगशिप फोन हमने पकड़ा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, 177 ग्राम का ये फोन देखने को मिल जाता है। और ये जो साइड फ्रेम है ना, ये आपको पूरी की पूरी मेटल की देखने को मिल जाती है। और जो बैक पैनल है, तो यहाँ पे ना इसका कलर ऐसा नहीं है, ये स्किन लगी हुई है, क्योंकि बैक पैनल आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। बेजल्स देख सकते हो कितने कम देखने को मिलते हैं, नीचे के साइड में भी कम है, ऊपर में भी कम है, साइड बेजल्स भी कम है, तो फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यार ये भी बेजल्स का भी एक डिजाइन का पार्ट आता है, तो बेजल्स बहुत ही थीन है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट आता है गाइस इसका कैमरा। यस, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल विद 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल OIS का भी सपोर्ट है। और सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 32,000 के हिसाब से इसका कैमरा आप जज करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आउटपुट ये फोन निकाल के दे देता है। 12 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उससे भी आपको आउटपुट मस्त देखने को मिलता है, डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट के ऊपर नेचुरल कलर आना हो तो ये सब कुछ सैमसंग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। उसके साथ जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है वहां से भी आपको डिटेल्स मस्त देखने को मिल जाती है और डायनामिक रेंज वगैरह ठीक ठाक रख देता है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है और उससे आप मस्त मस्त पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। और जो एज डिटेक्शन है वो प्रॉपरली होता है, चेहरे के ऊपर वगैरह मस्त डिटेल देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो देखिए यार मेन जो रियर कैमरा है 12-12 मेगापिक्सल के है, बट सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से आपको मस्त मस्त आप फोटोज खींच सकते हो, पोर्ट्रेट वगैरह मस्त आती है, एज डिटेक्शन में वगैरह प्रॉब्लम नहीं होता है। और वीडियो के लिए आप देखते हो तो इसमें एक बेस्ट फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले 4K 60fps फोन सपोर्ट करता है, रियर कैमरे से 1080p 60fps भी सपोर्ट करता है। इवन ये पहला आई थिंक मैं फोन देख रहा हूं बहुत दिनों के बाद कि ये सेल्फी कैमरा में भी 4K 60fps देता है। सबसे बड़ी बात कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना 4K 60fps में रियर कैमरे से, तो आप ड्यूरिंग वीडियो स्विच भी कर सकते हो सेल्फी कैमरे के अंदर। तो ये बेस्ट फीचर लगा मुझे और स्टेबिलाइजेशन वगैरह आपको मस्त देखने को मिलता है। तो यस यार कैमरा सेटअप और कैमरा में कोई कॉम्प्रोमाइजेस यहां पे आपको देखने को नहीं मिलती। कैमरा
है कि मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो नॉर्मल आउटपुट है कैमरे का, उसमें आपको फुल टू ये सेटिस्फाई कर देगा फोन। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट बनता है गाइस, इसका डिस्प्ले 6.4 इंच का आपको फुल व्यू स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सैमसंग इसको बोलता है डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले। और गाइस यहाँ पे मैंने इंडोर ब्राइटनेस टेस्ट किया था इसका, तो 650 निट्स के आसपास आ रहा था। तो ठीक है यार 650 निट्स, बट आप आउटडोर में जाते हो और बहुत ही तेज धूप है तो वहां पे आपको दिखने में दिक्कत हो सकता है, मे बी आपको हाथ ऐसा रखना पड़े। बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। 4K HDR वाइड वन L1 सब कुछ सपोर्ट ये फोन कर लेता है। वीडियो एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल खराब नहीं करेगा। और आपको पता है सैमसंग के डिस्प्ले कलर वगैरह आउटपुट यार मस्त निकल के आता है। और इस डिस्प्ले के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, कॉन्स्टेंट 120 हर्ट्ज नहीं रहता है, कभी कभी जिटर लैग देखने को मिल जाते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट बनता है गाइस, इसके ड्यूल स्टीरियो स्पीकर यस लाउड है, तगड़े बजते हैं, और यहाँ पे मैं आपको सुना के ही दिखाता हूँ। उसके साथ जो हैप्टिक्स है ये भी आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं, हैप्टिक्स की कोई दिक्कत नहीं। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, इसका भी स्पीड यार ठीक ठाक देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस नेटवर्क की रिगार्डिंग बात करें तो जितना भी मैं 4G यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सिंगल टाइम मुझे 4G प्लस यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बट ये फोन 4G प्लस को सपोर्ट करता है। और आपको पता ही होगा कि सैमसंग के बहुत फोन में 4G प्लस होता है बट प्रॉपर कॉन्स्टेंट सपोर्ट नहीं देखने मिलता, यही हाल इसमें भी देखने मिलता है। बाकी नेटवर्क की रिगार्डिंग इतना ज्यादा इशूज नहीं है। और 5G की बात करें तो गाइस यहाँ पे 5G के आपको 12-13 बैट्स देखने मिलते हैं, मतलब इन फ्यूचर जब भी 5G इंडिया में स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 5G के बैट्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और फिफ्थ और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट बनता है गाइस, इसका सॉफ्टवेयर यस MIUI 4.1 देखने मिलता है। हाईली कस्टमाइजेबल UI है गाइस ये MIUI की तरह, और हाईली सिक्योर UI है, इसमें सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है। और उसके साथ गाइस अपडेट्स की बात करें तो एंड्रॉइड 15 तक अपडेट आएगा, उसके साथ सेकंड पैच लेवल अपडेट जो भी होती है वो फटाफट देखने को मिलती है। और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है, और सैमसंग का खुद का डायलर भी देखने को मिल जाता है, तो उससे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यार इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, थीम्स भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके थीम इंजन भी सब कुछ चेंज कर लेता है, गुड लॉक वगैरह, मतलब कस्टमाइजेशन के लिए यार आपको इसमें कुछ कमियां आप नहीं निकाल सकते। तो सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट बन जाता है इस फोन का। तो यही थे गाइस बस इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट। और अब बात करें गाइस इस फोन के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो स्टार्ट होता है गाइस इसके परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस कहां से आता है? प्रोसेसर से। प्रोसेसर ही इस फोन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसके वजह से 3-4 प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस फोन में 870 होता या 860 होता तभी भी बेटर होता यार, बट प्रोसेसर जो है एक्सोनॉस 2100 बहुत ही बेकार प्रोसेसर, मेरे टर्म में बोल रहा हूँ बहुत ही बेकार प्रोसेसर है। अभी जितना फोन मैं यूज कर रहा हूँ, फोन मेरे को फील हो रहा है कि ये हीट हो रहा है, मतलब नॉर्मल फोन से ये वार्म फोन हो रहा है। तो गाइस इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मैंने टेस्ट किए थे, 500,000 के आसपास चले जाते हैं, और जब मैं एंटीटू चेक कर रहा था तो फोन बहुत ज्यादा हीट हुआ, तो मैंने चेक किया तो 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फोन 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पे चला गया था। बाकी गाइस यहाँ पे बात करें इसके CPU थ्रोटलिंग की, तो यस फोन बहुत ही फास्ट थ्रोट होता है, और इसने मुझे 67% का परफॉर्मेंस दिया था गाइस, और एवरेज GIPS स्कोर लगभग 136,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें गाइस आप बड़े-बड़े एप्स यूज करते हो या ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो तो फोन हीट करना स्टार्ट कर देता है। गेमिंग की तो बात ही छोड़ दो, फिर भी PUBG इंस्टॉल करते हो स्मूथ प्लस 16 देखने को मिल जाता है 60 FPS, बट हैंडल नहीं कर पाता, फोन 40 FPS के आसपास चलाता है और फोन बहुत ही ज्यादा हीट होता है। तो नंबर 1 प्रोसेसर इसका प्रॉब्लम है, नंबर 2 हीटिंग। तो हीटिंग यार हीट नहीं होना चाहिए था, बट ये फोन हीट होता है, नॉर्मल यूजर्स में भी जो नॉर्मल फोन रहते हैं उनसे ज्यादा ये वार्म फील होता है हाथ में। जितना मैं रिव्यू कर रहा हूँ अभी भी मुझे यहाँ पे ना कैमरा के बैक साइड में वार्म फील हो रहा है, ये फोन हीट होता है। और आपको पता ही होगा कि हीट होने से क्या होता है, थर्ड ड्रॉबैक आता है इस फोन का, वो है बैटरी फास्ट ड्रेन होता है। 4500mAh की इसमें बैटरी देखने मिलती है, बट यार मैं जितना यूज कर रहा हूँ 50-60% ब्राइटनेस था, उसके बावजूद भी मैं बस वीडियो वगैरह देख रहा था, थोड़ा सा कॉल पे बात कर रहा था, तो उसके बाद मुझे बैटरीज का अराउंड जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ फास्ट ड्रेन हो रहा है, और ऑन स्क्रीन लगभग 3-5 घंटे के बीच में ही मिल रहा है। 3-5 घंटा बहुत ही कम है, मतलब 5 घंटा भी इसके लिए ज़्यादा है, 3-4.5 घंटा पकड़ो इसके अंदर ही इसका बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, और आइडल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रॉप करता है। तो यार बैटरी के रिगार्डिंग मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ इस फोन से, बैटरी बहुत ही कम आपको देखने को मिल
जाएंगी। प्रोसेसर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। इवन मुझे लगता है कि यूआई भी इसके लिए थोड़ा सा हेवी बन जाता है, क्योंकि ये जो फोर्थ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है जिटर लैग। आप नॉर्मली सेटिंग के अंदर जाते हो इधर उधर से, तभी भी हल्का सा जिटर आपको देखने को मिल जाता है, लैग कभी कभी आता है, और कभी कभी लगता है कि इसका जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है हल्का सा कभी कभी काम नहीं करता है, 60 हर्ट्ज पे आता है, तो ये कभी कभी महसूस होगा। बट जो लैग है ना, आप हेवी ऐप्स को ओपन करके फिर होम स्क्रीन के ऊपर आते हो या रिसेंट से कुछ क्लियर करते हो, तो आपको ना क्लियर लैग महसूस होगा बार बार। तो गाइस ये चार प्रॉब्लम इस फोन के अंदर मेरे यूजर्स के अकॉर्डिंग मुझे देखने में मिले। सो फाइनल इतने सारे एडवांटेज देखने मिलते हैं, उसी तरह इसमें उतने ही प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। तो ये फोन किन को लेना चाहिए? जिनकी प्रायोरिटी कैमरा है अंडर 32,000, जो स्पेसिफिक सैमसंग को पसंद करते हैं वो इस फोन को देख सकते हैं। उसके साथ जिनकी प्रायोरिटी बेस्ट डिस्प्ले होना चाहिए वो भी देख सकते हो, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मतलब मल्टीमीडिया या वीडियो एक्सपीरियंस बेस्ट होने वाला है। और जिनको एक सिक्योर फोन चाहिए जिसमें सैमसंग का यूआई देखने मिलता है जो एक स्टेबल है। और आपको बहुत कुछ मेरे सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। तो यार डिसाइड कर लेना आपको बाय करना है कि नहीं करना है। और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में और कौन से वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट करना। और सारे फोन यार एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो प्लीज यार प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियो को। और सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूं तो चैनल को भी जरूर यार सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।